मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी अक्सर ये अपने पोस्ट फेसबुक पर डालते हैं। अब जुमा को जो असदुद्दीन अवैसी साहब पर फायरिंग की गई, इस हमले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था, तो इस पर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने क्या बयान दिया, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। हैदराबाद में आज बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद नमाजियों के हुजूम में मिलकर AIMIM वर्कर्स ने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए किया एहतजाज। सोशल मीडिया पर वीडियोस गश्त करने के बाद मुसलमानों में बढ़ गई तशवीश की लहर। मुसलमान समझ बैठे कि कोई मजहबी मामला पेश आ गया है। मुसलमानों को ये इत्तला दी जाती है कि ये एहतजाज मसाजिद की शहादत पर नहीं था और ना मुसलमानों के वक्फ जायदादों के लूटे जाने पर था, ना हैदराबाद के 63% मुसलमान गुरबत का शिकार होने पर था, ना बेरोजगारी पर, ना सूद खोरी में मुसलमानों के तबाह होकर लूट जाने पर था। ये एहतजाज यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब की गाड़ी पर फायर करने के खिलाफ था, जिसके हमलावार पकड़े जा चुके हैं, पुलिस की हिरासत में है। मजहबी मौकों को सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर यह वो मुकाम नजर आ रहा था जहां मौजन की अजान से ज्यादा सियासतदानों के तकारीर की अहमियत है। यह वो मुकाम नजर आ रहा था जहां मजहब नहीं बल्कि सियासत बोलती है। यह वो मुकाम नजर आ रहा था जहां मसाजिद को गिराकर मुसलमानों से छीन कर बेहुरमती करते हुए मसाजिद पर बुलडोजर चढ़ाकर मसाजिद के नाम व निशान मिटाने पर कहा जाता है कि गिराने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर पुलिस कंप्लेन कर लो। लेकिन याद रहे, सियासतदान के सरकारी मकान की गेट हो या कार पर हमला किया गया हो, मजहबी नारों का इस्तेमाल होना चाहिए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होना चाहिए, हंगामा वो एहतजाज बरपा होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि कोई मजहबी मामला पेश आ गया हो। ये वो मुकाम नजर आ रहा था जहां शायद ईमान से ज्यादा सियासी इताअत सिखाई जा रही हो। ये वो मुकाम नजर आ रहा था जहां ईमान से बड़े सियासतदान और शरीयत से बड़ी सियासत कहकर मनवाया जाता है। ये वो मुकाम नजर आ रहा था जहां मजहब से ज्यादा सियासी रसूख बताया जाता हो। ये एहतजाज मसाजिद वो ईमान के लिए नहीं था बल्कि टोपी पहनकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का इस्तेमाल करते हुए सियासतदान की इताअत में किया गया था। आज जुमा के मौके पर मसाजिद और नमाजियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ऐसे मुखररीन को मसाजिद में सियासी तकारीर करते देखा गया जो कभी मसाजिद की शहादत पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वाजे रहे कि हम भी असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमले की कोशिश पर सख्त मजम्मत करते हैं। एहतजाज के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन मजहबी जज्बात का सियासत के लिए इस्तेमाल करवाना, इसके हम खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। दीन इस्लाम और मुसलमानों को सियासी ब्रांड बनाकर खेलने पर हम खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। आइए देखें यौम जुमा पर मजहबी मौके का सियासत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद झलकियां। Yeah!
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।